नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सुबह की वीडियो में कुछ सूचनाएँ छूट गई थी, इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी से 2600 पदों पर समूह गा की भर्ती का विज्ञापन जल्द, पीईटी के बाद में अगले वर्ष यानी कि इस वर्ष तो ज़्यादा कुछ नहीं होना है, अगले वर्ष आपको कुछ नई भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है समूह गा के 300 पद बढ़े, अब 2600 भर्तियाँ। लिखा है निकायों में समूह गा के खाली 2600 पदों का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भेजा जाएगा। पहले समूह गा के 2375 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बनाकर के यूपी ट्रिपल एससी भेजा गया था, लेकिन 300 और पद खाली होने से अब संशोधित प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद जितने भी पद रिक्त हुए उनका संशोधित प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भर्ती के लिए भेजा जाए। निकायों ने समूह गा के 2375 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीन सेवा चयन आयोग को भेजा था। अभी हाल ही में लगभग 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सचिव की तरफ से एक पत्र जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस साल जितने भी लोग जितने भी कर्मचारी जो हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको भी जोड़ करके जितने भी रिक्त पद हैं पूरे पदों का जो अधियाचन है वो अलग अलग जितने भी विभाग हैं वहाँ भेजा जाए। जो भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होनी है लोक सेवा आयोग को भेजा जाए, जो भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी से होनी है उनको यूपी ट्रिपल एससी भेजा जाए। उसी के जो क्रम में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ये जो प्रस्ताव है ये 300 लोगों को और जोड़ करके यूपी ट्रिपल एससी भेज दिया गया है। वहीं पर आगे लिखा है कि इसीलिए स्थानीय निकाय निदेशालय संशोधित भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी में है। निदेशालय ने समूह घा के करीब 5154 पदों पर भर्ती करना चाहता था, लेकिन जल निगम से कर्मचारियों के समायोजन होने की वजह से इन पदों को अब सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं भरा जाएगा जिन पदों का समायोजन हो गया है। तो जैसे जितने भी इंटर कॉलेज के बाबू हैं उनकी एक भर्ती होनी थी, जल निगम में एक और भर्ती होनी थी और जो ये निकायों की एक भर्ती होनी थी और सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की एक भर्ती होनी थी उसके प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एससी भेजा गया है। तो ये जितने भी विभाग हैं जिनका अध्याचन भेजा गया है ये सभी जो भर्तियां हैं वो आपको अब अगले वर्ष देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर कुछ और भी सूचनाएं हैं, कुछ और भी भर्तियां निकली हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे भारतीय नौसेना से सेलर की भर्ती निकली हुई है यानी कि नाविक की। ये देखिए यहाँ पर सेलर डबल ए एम एस एस आर फरवरी 2020 बैच अविवाहित पुरुष, और इसमें लिखी हुई है कि आयु 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच की होनी चाहिए। पे स्केल ट्रेनिंग के समय ही 14,500 रुपये मिलेंगे और ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तब 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक जो वेतनमान है वो मिलेगा। योग्यता यहाँ पर है जो नौसेना से भर्ती निकली है 60% अंकों से निर्धारित विषय में 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट। चयन का आधार क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। joinindiannavy.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग और भी अधिक विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है, 2500 पदों। इसके बाद में एक और भर्ती है उसके बारे में भी आज के ही समाचार पत्रों के बारे में जानकारी दी गई है, हालांकि इसके पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। लिखा है भारतीय खाद्य निगम पंजाब FCI पद चौकीदार का है, वॉचमैन का है, 860 पद हैं। अधिकतम आयु इसमें 25 वर्ष रखी गई है 1 सितंबर 2021 के अनुसार। पे स्केल 23,300 रुपये से लेकर के 64,000 रुपये तक है। वेबसाइट है FCI.gov.in। योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं, उम्मीदवार जो है वो 5वीं पूर्व संविदा कर्मी के लिए और वैसे 8वीं पास की जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 10 नवंबर 2021, ऑनलाइन आवेदन करने हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए पूरा जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।